एडियाटर का प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आप अपना नाम, अपने कंपनी का नाम और अपने उत्पाद के विषय में बताएं। हाँ जी, हमारी कंपनी का नाम है श्रृंगार इफेक्ट्स। मेरा नाम है भरत शाह और हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे और हैंडीक्राफ्ट आइटम में डील करते, एक्सपोर्ट करते हैं। आपको EPCS द्वारा मिला यह प्रतिष्ठित सम्मान पाकर कैसा अनुभव है और आप ये सम्मान किसे समर्पित करना चाहेंगे? अरे ये मिला उसके बारे में हमें बहुत बहुत खुशी है और हम लोग तीन भाई हैं और तीनों भाई के बीच में समर्पित करेंगे। अगर हम भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं और भविष्य में क्या कुछ अवसर एवं संभावनाएं आपको दिखाई? चुनौतियाँ यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि काफ़ी इंसेंटिव्स और सब हटा दिए गए हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और चाइना के सामने कंपटीशन में खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार का जो इस पर सहयोग है और EPCS का जो सहयोग है, एक सकारात्मक सहयोग है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, उसी के हिसाब से हम लोग बहुत सही जा रहे हैं और बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। और आखिरी में जो आपके साथी निर्यातक हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा और आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपके सफलता का एक मूल मंत्र क्या है? बस मूल मंत्र है वो हमारी मेहनत है और हमारा स्टाफ का सहयोग बहुत अच्छा रहा है और हमें हमारे फॉरेन कस्टमर हमारे से काफ़ी सेटिस्फाइड है, उसकी वजह से हम लोग सब। एक क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सहयोगी साथ निर्यातकों? बस मतलब हमारा खुद का ही प्रोडक्शन करना चाहिए और हम लोग इंडिया का ही प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फॉरेन के अंदर काफ़ी अच्छी मतलब हमें रिस्पांस मिलता है अगर प्रॉपर क्वालिटी और अच्छी तरीके से हम लोग सप्लाई करते हैं। EPCS द्वारा तमाम निर्यातकों को सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक।